नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से आर्मी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि लोगों को बचाने में सक्रिय है नेपाल की सेना। नेपाल के पूर्व चीफ ऑफ ऑपरेशन से प्रेम शाह के नेतृत्व में सुर्खेत स्थित मिलिट्री वेस्ट कमांड द्वारा संचालित हवाई सेवा ने इलाके के कई नागरिकों की जान बचाई है। पश्चिमी कमान के तहत सुर्खेत के वीरेंद्र नगर से हाल ही में हवाई सेवा शुभारंभ ने कई लोगों को अकाल से बचाया है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल की सेना अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा सकती है। कमान के तहत प्रसूति एवं प्राकृतिक आपदाओं को हवाई सेवा द्वारा रेस्क्यू कर इलाज के लिए सुसज्जित स्थानों पर ले जाया गया। सेना ने 3 सितंबर 2008 से वीरेंद्र नगर में पश्चिमी हवाई सेवा स्थापित कर बचाव अभियान को प्रभावी बनाना शुरू किया था। प्रारंभ में काठमांडू से उड़ाने 3 सितंबर 2076 से सुर्खेत से तीन राज्यों के लिए उड़ान भर रही है। सेना ने तीन प्रांतों को जोड़कर पश्चिमी कमान की स्थापना की। लुम्बिनी के बांके बर्दिया सुदूर पश्चिमी और पूरे करनाली पश्चिमी एयरबेस से उड़ान भर रहे हैं। पश्चिमी कमान के तकनीकी प्रमुख रचना श्रेष्ठ ने कहा, बचाव अभियान के लिए 3 हेलीकॉप्टर और 1 फ्लाइट क्रू हमेशा तैयार रहते हैं। अकेले इस वर्ष अब तक 48 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बचाया जा चुका है। पश्चिमी कमान के मुताबिक 27 अन्य बचाव अभियान भी चलाए गए हैं। चीफ फाइटर श्रेष्ठ ने कहा कि पिछले साल 34 गर्भवती महिलाओं और 23 अन्य और 2076 में 35 गर्भवती महिलाओं और 19 अन्य लोगों को बचाया जा चुका है और नेपाल आर्मी अपने देश के लोगों को बचाने के लिए हर कदम उठा सकती है और वो अपने देश के नागरिकों को हर मुश्किल घड़ी में अपनी जान पर खेल कर उन्हें बचाती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल आर्मी की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।